हेलो जी, राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा व्लॉग चालू हो चुका है और नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ मुड़ जाए ना, अड़ेगी अड़ेगी। पेड़ आ रहे हैं। तो सुबह के मतलब दोपहर के 11 बजे से व्लॉग स्टार्ट हुआ है और रात के 12 बजे तक व्लॉग बना है हमारा। तो देखते रहिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मनीष जा रहा है आज घूमने के लिए। घूमने के लिए क्या, गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत काम करवाना है और कहीं भी जाएंगे। लप जैसे चल देगा, फूफा मैं चलूँगा, फूफा भी ऐसे ही कई न ले जावे और यहाँ ले जा पोजिशन गल गल मोटरसाइकिल के जाएगा जब भी, गाड़ी में जाएगा जब भी। ऐसे उड़ जा बढ़िया, घर भी ऐसे लगा कर बनाते ना। ओके बलियाम जी काट रहे हैं बंगलों टी शर्ट के साथ। मनीष, अच्छा मणिराम चौके तो नुबे लगने हो गए हमेशा ही ना काट, अभी हमेशा ही बलियान मिट्टी पहना। मैं भी हमेशा ना तो कभी जेब में चेक करूं ना बलियान बलियान ना लगा। कितने रुपया हुआ? पूरी गड्डी गड्डी धो दी मैंने। मोहा देख कर जतन पर काट हो ना, पहले मैंने करूंगी अभी लगा धो ली। मैं देख नो लूंगी ना इतने तेरी में धरे हैं, तो देखूंगी आने ना देखें। अब बताइए क्या रे पौने भर दियो गोबर कैसे गया तुम? नाप के लाए हो तो पहर के देखी थे ना अच्छी तरह, पूरी बड्डी है ना। हाँ जैसे और छिपना हो जाए साल भर चल जाएगी। जाओ इन ब्याह तक वही रहे, हो जाए साल दो साल ब्याह ब्याह यही रहे। ब्याह ना हो इतना कहे ना तू जा अपने घर, कुछ कह दीजिए जब तक थार ब्याह ना हो मैंने जाओ ब्याह करवा लो। गर्मी के मारे ले आए हो या कहीं जा रहे हो कुछ काम? ले जाता है जब तो डट जाते, एक ले जाते तो डट जाते, दोनों न ले गो छोरा के मन न लगे अकेला। पूरी मैं मारी में हो बोलो न कहते है। छोटी सी जिंदगी हंसी खुशी रहने की, कहा धरो न रोने दे। चलो भाई आज बनाएंगे हम, तो आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी और सारा सामान रेडी है तो इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसी बनती है। और खाने वाले एक गुड़िया है हम ऐसे करेंगे कुछ और हो कुछ जाएगा। एक गुड़िया है एक छोटा है, तुम्हारी बड़ी तो यही खड़ो अभी कह रही घर से आया नो बड़ी हो आज तो नौ बड़ी मतलब तो उतरो सोना मतलब बस मिल गई खड़ी खड़ी ना तो कुछ प्याड़ा पेड़ा लिया पाया ना कुछ, फिर गल गल मग बैठो बैठो फिर कद बस निकल अभी तक नहीं भी तो जंगल माथे को। हमारे दो गाय खड़ी और ये बछड़ा बैठा रहा खड़ा होगा, इसको पता चल गया दूध मिलेगा और बहुत दिन से
बाल्टी लेके आ गई है गाय से दूध मांगने। हे बच्चे, ये मैंने इसको खोल दिया और ये भाग चुका है दूध पीने। दो तीन दिन को तो गोबर जब गेर के निमटाया और आज फिर वक्त तुम फोन भर दे क्यारी में भाई। ये गोबर पड़ा है, ये गोबर पड़ा और कहीं पड़ा रही ना डोड़े तेरे तार कट रहे डोड़े डोड़े से ले जाऊँ। उसने दूध पी लिया है, भाजी से बांध के अब खुद दूध लेगी। गाय भाग जा रही, दूध निकलवा रही। उसको देखो क्या आ रहा है दीवार में मार रही। दूध कट चुका है और इस महाशय को मैंने बांध दिया है। अभी इसने बुआ जी को डरा दिया, बुआ जी हाथ धो रही थी और ये आ गया भागा भागा पानी पीने। ये बुआ जी क्या बता रही, क्या आई विद्या रानी ऐसी कैसे रहे ओ बच्चा वाली। ऐसे ना ये मिल जा करे हम कॉपी में किताब में रखे करे, ये बड़ी बड़ी हो जावे। अरे तो मतलब हम है तो ये पक्षी के पंख, हम नु समझे करे कि यही तो हम पढ़ाई में दिमाग चला गो मारो। विद्या किताब में रहेगी तो पढ़ेंगे अच्छो। तो हमारे हमारे तरह मुंह रखता कौन करता था कमेंट में बताइएगा। हम मोर को पंख रखे हैं और ना रखे कुछ भी, मोर नहीं ये रखे करे हम छोटे छोटे। कबूतर रह करे मंदिर के ऊपर तो मंदिर के छतन पे बीन के ला करे ने उठा उठा के। तो हम तो मोर को पंख रखे हैं दुकान में, इन्हें भी रखे करे हम तो। मोर पंख एक पेड़ ना वाके उनने भी रखे करे। आपको पता है घर में वो पूछने वाले में इतना बड़ा मोर पंख धरो तोड़े ना मोर झाड़ के जाओ झाड़े मोह ही ला के दियो मैं खेलू। क्या आप भी धरते थे इसको अपनी किताबों में रखते थे, डबल हो जाती थी फिर ये तो पूछी उधर है ऐसे मोर के रखे ये ना डरे। ये आज के जमाने को पहले जमाने के हमें तो हम डरे करे। दो है बच्चा वाली यही डर ले तू दिमाग चला पढ़ाई में और तू सब कुछ डर भाई अंदर लगे रोड को तो आप कट रही है सब्जी। क्या बन रहा है? आलू बैंगन और ये हमारे खेत के ही बैंगन है अभी तोड़ के लाई हूँ। टमाटर बैंगन और दो चार पहले भी धरे आलू पहले के रखे और ये मैं सब बता लूंगी। ये मैं क्या बोलूँ, तू पूछा कुछ इंटरव्यू में पूछा तभी तो बताऊँ। आप सब कैसे हैं? आगे कुछ हमें आता नहीं है। तो जी अब शाम हो चुकी है, शाम नहीं रात हो चुकी है और शाम का सब काम निपटा चुके हैं। खाना भी खा लिया है, बर्तन बर्तन भी साफ कर दिए हैं और दूध धार सब जमा उमा के रख दिया है। और अब इस टाइम हो रहा था समय 12:45 का और टाइम का पता ही नहीं चला। आज छोटा वाला भाई घर आया तो उससे बातें करने में लग गए तो किचन में बैठे थे, मैं काम कर रही थी, वो बैठे सारे बैठे थे वहीं पे बातें करते करते 12:45 कब बज गए पता नहीं चला। और फिर याद आया कि पानी चल रहा है खेत में तो उसको भी काट करना है तो यहाँ पर पानी काटा जा रहा है। अगली नेक्स्ट कैरी में चालू कर देंगे पानी को और पहले वाली कैरी भर चुकी है तो रात भर चलती रहेगी और सुबह तक ज्वार भर जाएगी। तो जो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय और